गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन 11th क्लास के पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन वाले चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे विमीय समीकरणों के उपयोग। विमीय समीकरणों के उपयोग में से अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि विमीय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच। दूसरा उपयोग अपन पढ़ रहे थे कि विमीय समीकरणों की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित कर सकते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित करने के लिए फॉर्मूला अपना यह था N2=N1, m1/m2 power a, l1/l2 power b और t1/t2 power c। अब आपको मैंने ये बताया था कि m1, l1 और t1 की जगह वो आएगी जिस सिस्टम में अपन को वैल्यू दी गई है, और m2, l2, t2 की जगह वो वैल्यू आएगी जिस सिस्टम में अपन को फाइंड आउट करना है। अगर MKS में मान दिया है और CGS में पूछ रहा है तो MKS की वैल्यू तो आएगी m1, l1 और t1 की जगह, और CGS की वैल्यू आएगी m2, l2 और t2 की जगह। अब दूसरे उपयोग पर आधारित अपन क्वेश्चन कर रहे थे, एक दो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे, आगे वाले क्वेश्चन अपन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दूं कि इस तरीके का क्वेश्चन देता हूं, उसी उपयोग पर आधारित अपन क्वेश्चन कर रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का MKS पद्धति में मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो विमीय विधि द्वारा CGS पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपको दे दिया कि गुरुत्वीय त्वरण का MKS पद्धति में मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो विमीय विधि द्वारा CGS पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। अब CGS पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो बताओ इसमें भौतिक राशि कौन सी दी गई है, गुरुत्वीय त्वरण। तो इस क्वेश्चन में अपन को भौतिक राशि अपन को दी गई है बेटा गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण को अपन डिनोट करते हैं बेटा किससे, स्मॉल जी से। अब गुरुत्वीय त्वरण अपन किसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु या पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाला त्वरण कौन सा त्वरण कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण को अपन व्यक्त करते हैं किसके द्वारा, स्मॉल जी। अब उसके बाद अपन को उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी होती है, तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया स्मॉल जी, और गुरुत्वीय त्वरण की विमा मैंने आपको लिखा थे बेटा क्या, m1 m0 l1 और t^-2। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है m0 l1 t^-2। अब मान अपन को दे रखा है किस पद्धति में, MKS। ज्ञात करना अपन को किस पद्धति में, CGS। तो वैल्यू अपन को दी गई है MKS पद्धति में, और इसको कन्वर्ट करना है किस पद्धति में, CGS। तो जिस पद्धति में मान दिया हुआ होता है उसका मान आता है M1, L1 और T1 की जगह, जिस पद्धति में अपन को मान ज्ञात करना होता है उसकी वैल्यू आती है M2, L2 और T2। MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड।
सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकंड। अब एमकेएस पद्धति में परिमाण N1 और मान लीजिए सीजीएस पद्धति में परिमाण N2। अब जी की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किसी भी भौतिक राशि को किसका भी रूप में व्यक्त किया जाता है, परिमाण और मात्रक के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो इसका मात्रक है और परिमाण इसका कितना हो गया 9.8। तो N1 की वैल्यू तो हो गई 9.8 और N2 की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी। अब परिमाण चेंज करने का सूत्र होता है बेटा N2 = N1 × M1/M2 / A, L1/L2 / P और T1/T2 / C। ठीक है, तो इस सूत्र से अपन किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अलग अलग मात्रक पद्धति में परिमाण भी अलग अलग होता है और मात्रक भी अलग अलग होता है, लेकिन मात्रक पद्धतियां परिवर्तित होने से भौतिक राशि के विमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब मान लीजिए परिमाण तो है एमकेएस पद्धति में परिमाण N1 और सीजीएस पद्धति में परिमाण N2। तो अलग अलग मात्रक पद्धतियों में परिमाण अलग अलग होगा, मात्रक अलग अलग होगा, लेकिन विमा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि विमा का एक उपयोग मैंने बताया कि मात्रक पद्धतियां परिवर्तित होने से भौतिक राशि की विमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब N2 है यह भी गुरुत्वत्वण का परिमाण और N1 है यह भी गुरुत्वत्वण का परिमाण, लेकिन मात्रक पद्धतियां चेंज होने से विमा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। या M की विमा A या M की विमा 0। तो इस समीकरण और इस समीकरण की अगर अपन तुलना करते हैं तो तुलना करने पर एक का मान 0, वहां लंबाई की विमा है बी, यहां लंबाई की विमा 1। तो कंपैरिजन करने पर या तुलना करने पर बी का मान 1, यहां समय की विमा सी, यहां समय की विमा -2। तो कंपैरिजन करने पर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2। अब M1, L1 और T1 की वैल्यू पुट करेंगे, M2, L2, T2 की वैल्यू पुट करेंगे और ABC की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 = N1 की वैल्यू दे रखी है 9.8, M1 की जगह 1 kg, M2 की जगह 1 g, पावर ए 0, L1 MKS पद्धति में मीटर, CGS पद्धति में सेंटीमीटर, पावर 1, और ये हो गया बेटा 1 सेकेंड, पावर -2। अब वैल्यू अपन को दे रखी है किस पद्धति में, MKS, और ज्ञात करना है किस पद्धति में, CGS। तो MKS की जो भी वैल्यू होगी वो सारी के सारे वैल्यू चेंज होगी किस पद्धति में, CGS। N2 N1 की जगह 9.8, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बेटा 1000, 1 g, पावर 0, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, ये सीजीएस पद्धति में चेंज हो गई 1 और ये सेकंड पावर -2। अब इसको अपन लिख सकते हैं बेटा N2 = 9.8, 1000 को अपन लिख सकते हैं बेटा 10^3, 1, ये ग्राम पावर 0, 100 को लिख सकते हैं बेटा 10^2, 1 cm पावर 1 और 1 सेकेंड पावर -2। याद रखना किसी भी भौतिक राशि की अगर पावर 0 होती है तो पावर 0 होने पर उसका मान कितना होता है 1। अगर मैं लिखूं 1^0, 10^0,
100 की पावर 0, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो किसी की भी पावर 0 होने पर उसका मान 1 होता है। अब अगर इसको अपन सॉल्व आउट करते हैं तो n2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू इसकी पावर 0 होने के कारण उसका मान कितना होगा? 1। बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से गुणा करते हैं तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और इसका मान आपको बताया कितना आएगा? 1। अब इसको लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 100, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 इज इक्वल टू 980 किलोग्राम की जगह आ जाए, सॉरी इसकी जगह आ जाएगा क्या, इसकी पावर तो 0 हो गई और इसमें आ जाएगा 980 मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स पर। तो सीधेस पद्धति में गुरुत्व त्वरण का मान होगा बेटा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ एक चीज़ नहीं निकल कर आई कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर या किसी भी भौतिक राशि की घात 0 होने पर उसका मान कितना होता है बेटा? 1। तो गुरुत्व त्वरण का MKS पद्धति में मान अगर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा तो सीधेस पद्धति में इसका मान होगा बेटा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सीधेस पद्धति में मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा। और डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने पर इसको अपन सीधा सॉल्व आउट करेंगे बेटा। ऐसा मान दे दिया कि गुरुत्व त्वरण का MKS पद्धति में मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो सीधेस पद्धति में इसका मान होगा। अब सीधेस पद्धति में आपको बताया मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो ये लो, और सेकंड सेकंड में रहेगा, 9.8 को 100 से गुणा किया तो कितना? 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो गुरुत्व त्वरण का है किस पद्धति में मान CGS, और ये किस पद्धति में है MKS। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो अपन एक लाइन में शॉर्ट आंसर देंगे, लेकिन एग्जाम में 11th क्लास के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अपन को इस तरीके से सॉल्व आउट करना, ठीक है? और देखिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक, इसको डिनोट किया जाता है बेटा कैपिटल जे, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक का MKS पद्धति में मान 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है तो वी में विधि द्वारा सीजीएस पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक कैपिटल जी का MKS पद्धति में मान 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है तो CGS पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए, लेकिन किस विधि के द्वारा? विमीय विधि के द्वारा। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व आउट करते हैं सेम तरीका,
क्वेश्चन ये दे दिया, सबसे पहले मैं पूछूं आपको भौतिक राशि कौन सी, तो भौतिक राशि हो गया बेटा सार्वत्रिक, कृत्वीय नियतांक, और सार्वत्रिक कृत्वीय नियतांक को डिनोट करते हैं बेटा अपन किससे, कैपिटल सी। उसके बाद आपको उस भौतिक राशि की क्या लिखनी होती है, विमा, और इसकी विमा का मैंने आपको बताया था बेटा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो इसका फॉर्मूला बताया था बेटा जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। एफ फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है बेटा एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू, आर डिस्टेंस है दूरी है, दूरी की विमा होती है बेटा एल, लेकिन पावर कितनी दो, और एम वन और एम टू द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की विमा होती है बेटा एम और एम की पावर दो। अब अगर इसकी डायमेंशन अपन लिखते हैं तो जी एल वन और एल टू इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा एम वन एल एल थ्री और टी की पावर माइनस टू, क्योंकि जिनका आधार समान होता है उनकी घातीय परस्पर जुड़ जाती है, तो एम वन एल थ्री टी की पावर माइनस टू, और ये हो गया बेटा क्या एम टू, एम टू ऊपर जाएगी तो पावर किसकी होगी माइनस, तो एक में से माइनस तो हो गया तो माइनस का कितना बचा एक, तो इसकी बीमा होगी बेटा एम माइनस वन एल थ्री टी की पावर माइनस टू। वैसे अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो सार्वत्रिक गुरुत्व नेतांक जी का बीमा होती है एम माइनस वन एल थ्री टी की पावर माइनस टू। अब इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है किस पद्धति में एम केस, और ज्ञात करनी है अपन को किस पद्धति में सीधीएस। जिस पद्धति में मान दिए हुए होते हैं वो आते हैं एम वन एल वन और टी वन की जगह, जिस पद्धति में ज्ञात करना होता है उसके मान आते हैं एम टू एल टू और टी टू की जगह। एम केस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक केजी, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड। एन1 का मान दे रखा देखो कितना 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11, तो एन1 का मान दे रखा है बेटा 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11। एन2 की वैल्यू अपन को ज्ञात करना। अब एन2 की वैल्यू ज्ञात करने का सूत्र होता है एन2 इज इक्वल टू एन1 इनटू एम1 अपॉन एम2 की पावर ए, एल वन अपॉन एल टू की पावर बी, टी वन अपॉन टी टू की पावर सी। अब आपको बताया कि मात्रक पद्धतियां चेंज होने से भौतिक राशि की बीमा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो यहां देखो एम की बीमा माइनस एक या एम की बीमा ए, तो ए का मान तो हो गया बेटा माइनस एक, या एल की बीमा तीन या एल की बीमा पी, तो बी का मान हो गया बेटा तीन, या टी की बीमा सी या टी की बीमा माइनस दो, तो ये माइनस दो। अब सबके इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करते हैं तो देखो बेटा एन टू एन वन की जगह तो आ गया 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11, एम वन की जगह 1 के जी, एम टू की जगह 1 ग्राम, पावर ए इसका मान कितना माइनस एक, एल वन की जगह 1 मीटर, एल टू की जगह 1 सेंटीमीटर, पावर बी बी की वैल्यू यहाँ कितनी 3, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, सी सी का मान यहाँ कितना माइनस 2। अब अपन को वैल्यू दे रखी है एम के एस पद्धति में और ज्ञात करना है उसको किस पद्धति में सीजीएस, एम के एस की जो भी वैल्यू होगी उसको चेंज करना है बेटा किस पद्धति में सीजीएस। अब सीजीएस में चेंज करते हैं तो एन टू 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11, एक किलोग्राम में कितने ग्राम 1000,
10 की पावर 3 पावर माइनस 1, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। 10 की पावर 2 एक सेंटीमीटर पावर 3, 1 सेकेंड 1 सेकेंड पावर माइनस 2। इसको अगर अपन सॉल्व आउट करते हैं तो n2 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर 3 पावर माइनस 1, 10 की पावर 2 3, ये हो गया 1, 1 की पावर माइनस 2। अब आप सबको होता है कि बाहर वाली पावर अंदर वाले पावर से गुणा होती है, तो n2 इज इक्वल टू 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर 6, और इसकी वैल्यू आपको होता है कितनी आएगी? 1, क्योंकि 1 की पावर माइनस 2 को अपन लिख सकते हैं 1/1 की पावर 2। 1 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 1। 1/1 का मतलब कितना हो गया? 1। अब आपको होता है जिनका आधार समान होता है उनकी घातीय परस्पर जुड़ जाती है, तो देखो n2 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 और 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 14 गुणा 10 की पावर 6। आधार समान होने पर घातीय परस्पर जुड़ जाती है, माइनस 14 में 6 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 8। तो यहाँ n2 की वैल्यू आएगी बेटा 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 8। ये CGS पद्धति में इसका परिमाण आ गया। तो MKS पद्धति में तो इसका मान था 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11, और CGS पद्धति में इसका मान आ गया 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 8। अब यहां मात्रक चेंज हो जाएगा, न्यूटन की जगह दाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, केजी की जगह ग्राम। तो इसका मान हो जाएगा 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 60 डायन गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ये वाला जो मान है वो इसका किस पद्धति में है? CGS। और ये वाला मान है वो किस पद्धति में है? MKS। तो इस तरीके से अपन किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या कर सकते हैं? रूपांतरित। क्लियर? तो ये दो उपयोग हो गए। कल अपन कल की क्लास में नया उपयोग पढ़ेंगे कि विमीय समीकरणों की सहायता से अपन विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य क्या स्थापित कर सकते हैं? सूत्र। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।